रामगढ़ ताल में जल्द ही 5-स्टार क्रूज पर जोड़े 7 फेरे ले सकेंगे, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल झील स्पीड बोट पर जल्द ही जोड़े शादी की 7 फेरे ले सकेंगे, क्योंकि रामगढ़ ताल में जल्द ही 5-स्टार क्रूज उतरेगा, इस पर जोड़े 7 फेरे ले सकेंगे। वहीं इस क्रूज पर छोटी पार्टियां भी हो सकेंगी। कोई भी नागरिक आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर यहाँ पर काकटेल पार्टी भी कर सकेगा। उन्होंने बताया कि होटल रेडिसन ब्लू से समझौता हो गया है, जिसने सहमति दे दी है। अब गोवा की तर्ज पर हाईटेक क्रूज भी झील में उतरेगा। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि नौकायन पूर्वांचल का सबसे सुंदर जगह है, जहां पर लोग हजारों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं। अब लोगों की डिमांड है कि रामगढ़ ताल में गोवा की तर्ज पर क्रूज की व्यवस्था किया जाए, जिसको देखते हुए जल्द ही रामगढ़ ताल में 5-स्टार क्रूज को उतारा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि रामगढ़ ताल एक बहुत ही सुंदर जगह है और इस पूरे क्षेत्र में पूर्वांचल में शायद ही इससे सुंदर कोई जगह हो। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, संडे को तो 15,000-20,000 ऐसे संख्या में भीड़ होने लगी है। और जो यहाँ पे बोटिंग है, बोटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों ने यहाँ पे क्रूज़ की डिमांड करी है, लोगों ने यहाँ तक डिमांड करी है कि इसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होना चाहिए। तमाम चीज़ें चल रही थी, तो उसी में हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में मेहनत करके 2 प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। एक तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए ला रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो RFP डॉक्यूमेंट होता है वो तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी तैयार होगा तो जल्दी वो भी आ जाएगा। दूसरा हम लोग डिनर क्रूज़, जो 5-स्टार डिनर क्रूज़ होता है, उसके लिए भी रेडिसन से हम लोग का टाई अप हुआ है और रेडिसन जो होटल है वो उसको लाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम लोग RFP डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये दोनों व्यवस्थाएं यहाँ लागू हो जाएंगी और पर्यटकों को बहुत लाभ होगा। क्या फिर से बोलो, जोड़े रहेंगे? हाँ, जो डिनर क्रूज आएगा, डिनर क्रूज में कई व्यवस्थाएं रहेंगी। जैसे अगर किसी को बर्थडे पार्टी करना है तो वो कर सकता है। किसी को अगर रामगढ़ ताल में, चूँकि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट है और रामगढ़ ताल बहुत ही सुंदर जगह है, लोग ऐसे झीलों पे शादी करने के लिए विदेशों में जाते हैं, तो वो उसकी सुविधा भी यहाँ पे हो पाएगी। जो क्रूज़ रहेगा उसमें रेस्टोरेंट की व्यवस्था रहेगी, उसमें अगर कोई शादी करना चाहता है तो शादी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी करना चाहे, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम करना चाहता है तो उस पर कर पाएगा।